हेलो दोस्तों, स्टार भी एग्जाम ट्रिक सड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो भी बनाने जा रहे हैं वह ट्रायंगल काउंटिंग पर बनाएंगे वीडियो। तो आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह SSC का हो, रेलवे का हो या NTPC का हो। तो आज आप लोग सीखेंगे त्रिभुज गिनना, यानी ट्रायंगल ऑफ काउंटिंग। तो हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। और कुछ जरूरी सूचना था जिसको मैं ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, पीछे लिखा है बोर्ड पर कि रेलवे NTPC का जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम डेट आ गया है। तो आप लोगों को मालूम है, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो देखिए, NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो हमारे लिए आइसोलेटेड नंबर ऑफ वैकेंसी 1663 है, और कैंडिडेट ने अप्लाई किया 1.03 लाख, और यह एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर 2020 को, और यह कब तक चलेगा 28 दिसंबर। तो रेलवे ने नोटिफिकेशन में कहा था कि 15 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, फिलहाल कुछ तो किया इन्होंने, बहुत अच्छी खबर है। और दूसरा चीज़ है हमारा NTPC मेन टारगेट यह है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 35,208 वैकेंसी है, बच्चों ने कितने अप्लाई किए हैं 1.26 करोड़, और 28 दिसंबर 2020 से एग्जाम हमारा चलेगा, कहाँ तक, मार्च के लास्ट तक। चलिए, इसी तरह ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, 1,03,769 वैकेंसी है, और इसमें बच्चे ने अप्लाई किया है 1.25 करोड़, और ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से स्टार्ट होगा, जून तक चलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई, 1,40,640 वैकेंसी हो गई, और बच्चों ने अप्लाई किया है 2.44 करोड़। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर चुका है उसके लिए तो मान के चलिए 85% तक वह कंप्लीट सिलेबस कर चुका है, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है यानी 2-4 महीने पहले से तैयारी कर रहा है उसका लगभग 65% तक ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि वह तैयार कर चुका होगा। तो अभी भी आप मत घबराइए, क्योंकि मेरा एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, 28 दिसंबर से, और ग्रुप डी का एग्जाम आपका अप्रैल, आपको लगभग 3-4 महीने मिल जाते हैं बीच में। तो मेरा जो भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है वह सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जाएगा, और वह NTPC और ग्रुप डी के रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल मेरा रीजनिंग का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी जुड़ जाइए। ठीक है, और जो आपका मैथ का क्लास है, रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ का क्लास भी रिन्यू कराएंगे। ठीक है, यानी चालू करवा देंगे इसको। इसके बाद बीच बीच में आपका GK GS का एक एक दो दो वीडियो का लेक्चर आता रहेगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए हम सीखते हैं रीजनिंग का पार्ट, त्रिभुजों को गिनना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। रेलवे, SSC, UPSI, बैंक, यह सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लगभग 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, SSC हो या NTPC हो। ग्रुप डी में तो आना ही आना है। ठीक है, यह टोटल एग्जाम्स जो होने वाले हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या आप मात्र हमारे वीडियो के माध्यम से मात्र 3-4 सेकंडों में बता पाएंगे। फिगर काउंटिंग आप 3-4 सेकंड में बता पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक स्किप ना करते हुए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और देखिए कैसे मैं त्रिभुजों की संख्या निकालता हूँ। उसके माध्यम से आप जैसे ही सीख जाएंगे आप मात्र इसका आंसर कितने सेकंड में देने लगेंगे, 3-4 सेकंड में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी वीडियो आती है वह बहुत ही सिंपल और ट्रिक के माध्यम से आती है मेरी, अगर आप सीख जाएंगे तो मात्र 3-4 सेकंड लगेंगे आप लोगों को। ठीक, तो मैंने कहा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप लोग बताएंगे सर इसमें तो सीधा सीधा एक दिखाई दे रहा है।
तो हम बता देंगे इसकी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दो। चलिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, अब बताएंगे सर इसमें लगभग आपका दो त्रिभुज आएगा, लेकिन नहीं, तीन त्रिभुज आएगा, एक या एक या एक पूरा, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काउंटिंग करना, इसको नंबरिंग कर दीजिए, वन टू, एक अगर यह दो बेस पे काट रहा है, एक या दो त्रिभुज, और इसको हम ऐड कर लेंगे, तो दो एक कितना हो जाएगा, तीन। तो ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इसमें तीन हो जाएगा। अगर पाई हमें ऐसे करके ऐसे दिया है, इसको मिटा देते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ क्या है सीखते चले जाए। अगर ढेर सारी लाइनें दे दी गई तो आपसे पूछा गया इसमें बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, वन टू थ्री फोर, कितने नंबर्स हैं, चार, एक दो तीन चार, सभी को जोड़ लेंगे, वन प्लस टू यानी थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, और सिक्स प्लस फोर, ये कितना हो जाएगा टोटल, टेन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, टेन, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तक कीजिए, फटाफट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इस तरह से अगर लाइन दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज दिया है, कोई भी त्रिभुज दिया है, हम क्या करेंगे उसका एक बेस पकड़ लेंगे और बेस के माध्यम से बता देंगे कि, और उन सभी को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम बताएंगे उसमें ट्रायंगल आप कितना है, टेन है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, यानी जीरो से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से, अब इतना नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं कर सकते आगे, तो ठीक है। देखिए वन टू, ठीक, दो एक तीन, अगर वैसे भी गिनेंगे तो एक त्रिभुज यह हो गया पूरा, एक त्रिभुज यह हो गया, दो हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें दोनों आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तीन। तो हम जब तक फिगर को देखेंगे समझेंगे तब तक हम इसका आंसर बता देंगे, वन टू यानी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए बाय द वे ऐसे करके दे दिया, इस तरह दे दिया, ठीक है। चलिए इसमें पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपसे, पूछेगा इसमें बताइए कितनी त्रिभुजों की संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था किसी बेस को पकड़ लेना, किसी एक आधार को पकड़ लेना और वहाँ से गिनना, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, दो एक तीन और तीन छः, छः चार दस, ये कितना होगा, दस। इसी तरह से इसका भी गिनेंगे, वन टू थ्री, थ्री सिक्स, और सिक्स प्लस फोर बराबर टेन, तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टेन प्लस टेन बराबर ट्वेंटी, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आप लोग सीखने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र तीन से चार सेकंड में आप आंसर एक बार सीख जाएंगे, उसके बाद आंसर बनाना अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इसमें बताइए आप, तो मैंने बोला था सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला बेस को पकड़ेंगे, ठीक है। अब वैसे भी इसमें भी कर सकते हैं, एक और ट्रिक है, एक एडवांस ट्रिक मैं रखता हूँ, इसमें क्या ट्रिक है, देखिए सबसे पहले आप ये लेंगे, ये कितना है, एक दो तीन चार, तो दो एक तीन, तीन एक तीन, छः छः चार दस, ठीक। और नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, तो एक लाइन दो लाइन गुणे दो कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बीस आ जाएगा। चाहे जैसे आप बना सकते हो वैसे बना सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए, इसमें बताइए पटाख से करके आप लोग, हमारे बनाए पहले जिसका आंसर आ जाएगा वो समझ लीजिए सीख गए, तीन चार, इसको भी करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
अब देखिए इसका काउंटिंग कीजिए, 6 6 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, टोटल जोड़ लेंगे 10 10 10, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ये बराबर कितने हो जाएगा 40, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा 40। अगर ऐसे करना है आपको तो सबसे पहले एक को गिन लेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर, नंबर ऑफ लाइन कितना है बेस का, 1 2 3 4 बराबर, 4 बराबर इसको कर देंगे 40, तो हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। देखिए मैंने कुछ नहीं आपसे कहा, कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, जैसे ही नंबरिंग करेंगे उसका सम कर देंगे, ठीक है, यानी उसको जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक। उसके बाद ऊपर भी दिया वैसे सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़ करके हम बता देंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 है। अगर ऐसे नहीं करने आता है तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला ट्रिक देखिए, इसको नीचे वाले को सबसे पहले वाले बेस को जोड़ लेंगे, उसके बाद ऊपर एकदम देखिए जो लाइनें ये कट करेगी या लाइनें कट करेंगी तभी यह रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो 10 इसका हुआ और इस पर कितने लाइनें हैं, 1 2, बेस कितना मिल गया 2, तो ये बराबर 10 × 2 बराबर 20, ठीक है। इसी तरह इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 सभी को जोड़े बराबर कितना है 10, 1 2 3 4 सभी को जोड़े कितना है 10, 1 2 3 4 सभी को जोड़े कितना है 10, या 10 है। इसमें भी जोड़ेंगे 1 2 3 4 सभी जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो सभी को जोड़ेंगे, सबका सम करेंगे, टोटल सम बराबर कितने आ जाएगा 40, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। तो चलिए फटाफट, मैं मानता हूँ कुछ लोग सीख गए होंगे और कुछ लोग को सीखने में सबका माइंड एक तरह नहीं होता है, लेकिन आप धीरे धीरे हमारे वीडियो के बाद सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सामने वाली घंटी जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि हमारा नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बेसिक से सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप मात्र इसको 30 से 4 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, तो फटाफट स्क्रीन शॉट कीजिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग छोड़कर चले जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगर इस प्रकार से ट्रायंगल दिया है और इसमें भुजाएं दी हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे फिगर देखकर, तो हमारा पिछले वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस वाले में सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप बेस कीजिएगा, ठीक है, बेस में नंबर कर लीजिएगा, यानी 1 2 3 4, बहुत आराम से सिखा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और आगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, यह आप लोगों का कर्तव्य बनता है, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, इसमें टाइम लगता है और आप लोगों के सपोर्ट में रख करके बनाया जाता है यह क्वेश्चन, और जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत ही सटीक पढ़ाते हैं और जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ लगभग सभी लोगों को समझ में आता है, ठीक है। जो भी हमारे भाई मित्र बंधु सब लोग देख रहे हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूँ, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो कोई भी एग्ज़ाम देखिए, आगे अगर आपका भविष्य सुधारना है तो आप किसी को भी अपने वीडियो के माध्यम से या मेरे वीडियो के माध्यम से या किसी भी टीचर के माध्यम से आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हो पहले उसको सीखिए क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, मैंने बोला था नंबर में क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 6 6 10, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी करेंगे 1 2 3 4, इसका भी नंबरिंग कितना आ गया 10 हो गया, टोटल सम कितना हो गया 10। अब इसमें जोड़ेंगे, देखिए जब तक बेस नहीं पकड़ेंगे तब तक नहीं, इसका बेस था तो सबको टच कर रहा था तो सबको नंबर करके जोड़ लिए, अब यह सिर्फ 2 लाइन 3 लाइनों को टच कर रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, इसमें कितना त्रिभुज जाएगा 3 2 1 3, ठीक है, इसमें कर देंगे 1 नंबर, इसको 1 कर देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले इतना करना सीखिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही सबको नंबर निकाल लेंगे उसके बाद सबको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे 10 + 10 + 3 + 1 बराबर कितना देगा 10 10 20 और 20 और 3
23/24, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, 24 हो गया। तो चलिए इसका करके बताइए आप लोग, मात्र 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा समय लगा नहीं लगा, तो अगर जो सीख गया होगा तो जरूर कर लेगा, ठीक है। तो उसका एक या दो नंबर तो फिक्स है भैया, पहले आप करना सीखिए क्या होता है। तो चलिए लगभग कुछ लोगों का तो आंसर आ ही गया होगा और कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं होती, ठीक है। आप मान के चलिए कि मेरा यह बनना ही चाहिए, ठीक है, मेरे वीडियो के माध्यम से बढ़ना ही चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने बोला था सबसे पहले यह बेस है, बेस को कितनी लाइनें कट कर रही हैं, एक, तो मैं नंबर कर लूँगा 1, 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह से इसको बेस पकड़ेंगे, 1, 2, 3, 2, 1, 3 और 3, 6, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। इसको इसी प्रकार इसको करेंगे 1, 2, 3, 4, इसको जोड़ेंगे 2, 1, 3, 3, 6, 6, 4, 10। अब बताइए ऊपर वाले में एक है, एक ही लाइन को, दो लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो इसमें कितना त्रिभुज बनाएगा, एक ही बनाएगा ना भाई, तो यहाँ पे एक जोड़ लेंगे इसको, ठीक है, और टोटल सम कर देंगे, टोटल को जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 1, 10, 10, 10, 20। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, 20 हो गया। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, देखिए 1, 2 = 3, 1, 2, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। इसी तरह से यहाँ पर एक बना रहा है तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे तो कितना त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, आपका एक दो नंबर NTPC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में फिक्स होना है। तो चलिए देख लीजिए। तो दोस्तों आगे देखिए, दो प्रकार का त्रिभुज इसमें बनाया गया है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें भी पूछा है वही चीज, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या। तो आप बताइए, आप सोचेंगे सर इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ ना, आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को बेस पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मान लेते हैं इसको बेस पकड़ लेते हैं, इस वाली लाइन को बेस पकड़ लेते हैं, तो 1, 2 और 3, इसी प्रकार से इस वाली लाइन को हम बेस पकड़ लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, 2, 1, 3 और 3, यह कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, मैंने कहा था सबसे पहले आप बेस पकड़िएगा, ठीक है, 1, 2, 3, ये कितना हो गया, 6 + 6, ठीक है, कितना हो गया, 12। तो आप लोग सोचेंगे सर आंसर तो आ गया 12, लेकिन नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैं एक ही त्रिभुज को दो बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही त्रिभुज को क्या कर रहा हूँ, दो बार रिपीट कर रहा हूँ। और वह त्रिभुज कौन सा है, देखिए इसमें भी नंबर 1, 3 आ रहा है, इसमें भी नंबर 1, 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलग है। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए, देखिए इस तरह से फिगर दिया है, सबसे पहले हम बेस पकड़ेंगे, अगर इसमें बेस पकड़ेंगे तो एक ही मिलेगा हमें बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंबी वाली लाइन्स को पकड़ लेंगे बेस में, चलिए इस वाली लाइन्स को पकड़ लेते हैं बेस में, ठीक है। और जैसे ही बेस पकड़ेंगे हमें 3 त्रिभुज दिखाई देंगे तुरंत, 1, 2, 3, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी यह लंबी वाली लाइन पकड़ लेंगे, इसी बेस को पकड़ लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 3, यह बराबर कितने के, 6, 1, 2, 3 और 3 बराबर 6, 6 + 6 = 12। लेकिन यह त्रिभुज दोनों में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यह कॉमन है, और जैसे ही कॉमन होगा हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो बराबर 12 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, अलग में, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 11। चलिए ये कर लिया आपको, और आगे वाले में देखते हैं, आगे वाला कैसे करते हैं,
उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैंने कहा था किसी को बेस पकड़ लीजिएगा, तो सबसे पहले हम बेस पकड़ लेंगे। चलिए मान लीजिए इसको बेस पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4, ये जोड़ने पे कितना आ गया, 6 4 10। और देखिए इस वाली लाइन को बेस पकड़िए, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। देखिए वीडियो सीखने में अगर मजा आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी, ठीक है। 1 2 3 और 3 6 6 4 या 10, ठीक है। तो 10 प्लस 10 यह हो गया, लेकिन आप बताइए यहां पर भी बेस मिल रहा है आपको, क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2, इस 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, इसमें भी 1 और 2, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। ऐसे भी करके जोड़ना है आपको, यानी कि ये जोड़ लिए तो हो गया 1 और 2, यह कितना हो गया, 3। 1 और 2 यह कितना हो गया, 3। तो सब में 3 आया। अब सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी को जोड़ते हैं, 10 प्लस 10 20 प्लस 3 3 6 6 3 9, 9 हो गया ना, और 9 3 11 12 सॉरी 9 3 12, और 20 प्लस 12 बराबर 32। आप बोलेंगे सर आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि यह बेस पकड़ कर चले थे तो हमें ट्रायंगल मिला था 10, इसको भी बेस पकड़ के चले थे ट्रायंगल मिला था 10, ठीक है। सामने सामने इसको बेस पकड़ के चले 3 3 मिला, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह त्रिभुज दोनों में काउंट हो रहा है एक एक बार, ठीक है। तो मान के चलिए एक त्रिभुज है, 2 है 3 4 5 6 7 8, तो -8 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, -8 करेंगे तो किसन कितना होगा,